रुचिरा। रूप गोस्वामी कहते हैं प्लीजिंग, भगवान जब बात करते हैं, वो भगवान को जब हम देखते हैं तो मन में ठंडक हो जाती है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं शायद बहुत लोग हैं जो सुंदर है, लेकिन कभी कभी जो सुंदर होते हैं उनका स्वभाव सुंदर नहीं होता। कभी कभी हम देखते हैं कोई सुंदर नहीं है लेकिन स्वभाव बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान तो देखने में भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, बातें भी सुंदर है, चलन फिरन भी सुंदर है। उनकी ऑरा ही ऐसी है कि जब उनको देखते हैं तो पूरे भौतिक जगत के क्लेश से हम शांत हो जाते हैं, एकदम ठंडक मिल जाती है। प्लीजिंग रुचिरा, वे ना ही बाहर में सुंदर है, वे अंदर से भी सुंदर है। उनको देखना ही एक नयन महोत्सव है। लगता है जैसे कि जैसे हम संडे को खाते हैं ना, संडे फीस्ट, इस्कॉन मंदिर का संडे फीस्ट, ऐसे ही आँखों को अगर फीस्ट है तो भगवान को देखना नयन महोत्सव, इतने सुंदर है भगवान। इनफैक्ट गुजराती में बहुत सुंदर भजन है और मेरा काफ़ी फेवरेट है, जहाँ पे नागपत्नियाँ जब पहली बार ठाकुर जी को देखती है पानी के अंदर में, तब ये ठाकुर जी को वॉर्न करती है कि अरे तुम कितने स्वीट सुंदर बच्चे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? और भगवान कहते हैं कि मेरी गेंद ये हो गई है तो मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ। तो नागपत्नियाँ कहती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे अच्छे के लिए हम कह रहे हैं तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारा पति जो है वो बहुत क्रूर है, अगर तुम यहाँ पे आवाज़ करोगे, अगर वो उठ जाएंगे तो वो तुम्हें मार देंगे, और हम नहीं चाहते कि वो तुम्हें मारे, तुम कितने प्यारे हो। तो ऐसा ही गुजराती में भजन है जिसमें नागपत्नियाँ भगवान से कहती है रंगे रूडो रूपे पूरो दिशंत कोडी लोकोडा मनु तारी माता एक टला जन्म्या ए मातु अल कामनु। तुम्हारी माता ने कितने लोगों को जन्म दिया है कि तुम्हारे जैसे इतने सुंदर बच्चे को ऐसे अकेला कैसे छोड़ दिया? हमारा ऐसा बच्चा हो तो हम एक मिनट के लिए भी छोड़ेंगे नहीं, सब समय उसको देखते रहेंगे। लगता है तुम्हारी माता ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया होगा, उसको पता भी नहीं कौन सा बच्चा कहाँ खेल रहा है, इसलिए तुम्हारे जैसे क्यूट से बच्चे को छोड़ दिया यहाँ पे, लेकिन तुमको देखने में इतना प्यारे लग रहे हो कि हम नहीं चाहते कि तुम यू नो मर जाओ। तो यहाँ पे मतलब वो भजन में ही गाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने आवाज़ किया और अगर हमारा पति उठ गया और उठ के अगर उसने तुमको मार दिया तो उसको अननेसेसरी बाल हत्या का पाप लग जाएगा, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ से तुम चले जाओ। तो मतलब अनजाने लोगों को भी उनको देखने से प्यार हो जाता है, लगता है कि कैसे उनकी रक्षा करें, कैसे उन्हें प्यार दे, कैसे उन्हें बचाए। तो ऐसी उनकी पर्सनैलिटी है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, रुचिरा, सबको अच्छे लगते हैं।